गाजरी में ये होल्डर रिप्लेस करने वाला हूँ और इसका कंडीशन आपको दिखाता हूँ, मेल्ट हो गया है इधर से, ब्लैक दिख रहा है, मेल्ट हुआ है इधर से, तो इधर भी हुआ है, इधर भी मतलब ख़राबी एकदम है, मेल्ट हो गया है, तो रिप्लेस करूँगा। इसमें गाइस वायर इजीली मार सकते हो, जॉइंट देख करके मैच करके मार देने का, दोनों सेम पकड़ने का और मार देने का, कुछ ये नहीं है, वो दो अपर डिपर कर रहता है, बाकी कुछ रहता नहीं गाइस इसके अंदर। एक लो बीम का होता है, एक हाई बीम का होता है और एक ग्राउंड होता है, दो वायर होता है इसके अंदर और एक ग्राउंड होता है, लो बीम और हाई बीम, एक ग्राउंड, तीन वायर। आज अभी जॉइंट हो गया है मैं और हेडलाइट ऑन ऑफ करके अपर डिकर मार के चेक कर लेता हूँ, फिर लगाऊंगा गाइस। क्या है ये प्रोसीजर फॉलो करने से क्या होता है, अभी हेडलाइट लगाते हैं, बाद में अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए बाहर चेक कर लेने के बाद में सब फाइनली इंसुलेशन टेप मारने का। तो मैं अभी हेडलाइट चालू करूँगा, तो गाइस अभी इग्निशन ऑन करूँगा और हेडलाइट चालू करूँगा। तो गाइस देख सकते हैं अपर डिपर ओके सब हो रहा है, तो गाइस ये प्रोसीजर है। तो गाइस कोई भी टेक्नीशियन रहेगा ना, उसको सब काम आना चाहिए गाइस, क्या होता है फिर इलेक्ट्रिकल वाले को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इसी वाले को, तो कैसा है गाइस नॉलेज होना चाहिए। खुद का जब वर्कशॉप करता आदमी तो उसमें बहुत तकलीफ़ हो जाता है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो कमा नहीं पाएगा, ऐसा है। आजकल गाइस खुद का काम करोगे तो क्या है, नॉलेज रहेगा तो कमा सकते हो, नहीं तो कैसे है सामने वाले को बुलाओगे तो सब पैसा उसका ही हो जाता है गाइस। इसके लिए खुद का नॉलेज इम्प्रूव करना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के हार्नेस में कुछ है नहीं, वायरिंग का एकदम इजी है गाइस, देख सकते हैं। अभी इंसुलेशन टेप मार्क डन कर दिया है, अब हेडलाइट फिक्सिंग करके लगा दूँगा गाइस। गाइस ये अभी नया बल्ब रिप्लेस कर रहा हूँ, इंस्टॉल करने गया इसका, इंस्टॉल कर दिया, इसको लॉकिंग पिन है, लॉकिंग पिन लॉक कर दिया, अभी हिलना नहीं चाहिए गाइस। और एक पीछे का डस्ट कवर है, तो फोल्डर और बल्ब दोनों रिप्लेस कर दिया मैं।